दिन में ही जब हम लोग इस तरह का जब मामला आता है, पेपर लीक का मामला आता है, तब हम लोगों को दिन में ही अंधेरा सूझने लगता है। कल्पना सोरेन जी वो कहती है कि मुख्यमंत्री जी 5 महीना जेल गए, उसका हिसाब कौन देगा? मुख्यमंत्री जी और कल्पना सोरेन जी से पूछता हूँ कि हमारे 10 साल का हिसाब कौन देगा? पैर घिसाता, चप्पल घिसाता, बाप का कंधा में जब देखता कि यहाँ लाल हो गया है, खुद से शर्माने लगा है। हम लोग आईना में आंख अपना चेहरा देखना बंद कर दिए हैं, आजकल बाल में बाल झाड़ना बंद कर दिए हैं, क्रीम पाउडर तो लगाना दूर की बात है। कि साला आओ तू लोग, हम लोग छटनी कर करके तू लोग बाहर करे, ये तो नहीं सोचा है। तरह तरह से सेटिंग हो रहा है भैया, पहले ही जो है से क्वेश्चन जो है एक रात दो रात पहले जो है से तमाम जगह जो है से पढ़ा दिया जा रहा है, और दिखावा के लिए नेट बंद कर दिया जा रहा है। खेलाइएगा झुंझुना से, आप पकड़ा दीजिएगा पिस्टल बंदूक का ट्रैक्टर और किरान। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में JSSC CGL परीक्षा 2023 का पेपर फिर से लीक हो जाता है। अब झारखंड के छात्र अपने आप को कहां पाते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बता दें कि झारखंड में लगातार जो भी परीक्षाएं हुई है, चाहे JPSC की बात कर ले या फिर JSSC का CGL का परीक्षा, इसके पहले भी जो हुआ था उसकी भी बात कर ले, तो लगातार कभी बैकडोर से बहाली हो जाती है तो कहीं पेपर लीक हो जाता है, तो कहीं पैसे लेकर लोग बहाली करवाने में जुट जाते हैं, तो कहीं ये देखने को पता चलता है कि उत्पाद सिपाही बहाली में लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो अब छात्र झारखंड में अपने आप को कहाँ पाते हैं और कहाँ इनका भविष्य टिका हुआ है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। छात्र कहाँ टिका हुआ है झारखंड में? छात्र खास करके नवयुवक जो है ना, किस मुकाम पे? वो अपने एज के इस मुकाम पे हैं जहाँ से वो ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे खिसक सकते हैं, ना वो खेती कर सकते हैं ना पढ़ाई कंटिन्यू करने का हिम्मत कर सकते हैं, ना नौकरी के लिए प्रयास करने का हिम्मत रख सकते हैं, ना नौकरी नहीं करने का प्रयास भी हिम्मत रख सकते हैं। क्यों आप कहिएगा क्यों? जब एक नौकरी जो 2015 से फॉर्म भराते हुए 24 आ गया, 10 साल के बीच में अगर यदि किसी का एग्जाम नहीं हो पाया एक एग्जाम, तो आप समझ सकते हैं कि किसी का एज क्रॉस करेगा कि नहीं। जो बच्चा 2015 में मैट्रिक नहीं पास किया था वो बच्चा अभी साथ में एग्जाम लिख रहा है, तो आप समझिए कि हम किधर जाए, खेती करने जाए, पढ़ाई करने जाए, नौकरी के लिए आए या नहीं आए, हम तो अधर में फंसे हुए हैं। मेरे पास ना आगे ना इतना पीछे पाथ वाला स्थिति है सभी स्टूडेंट के साथ है, और कोई ऑप्शन ना आगे, सब कुछ जो भी देखते हैं हम लोग को सामने अंधेरा दिखता है। दिन में ही जब हम लोग इस तरह का जब मामला आता है, पेपर लीक का मामला आता है, तब हम लोगों को दिन में ही अंधेरा सूझने लगता है। चाहे ये ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन एग्जाम हो, दोनों ही तरह से झारखंड में जो भी एग्जाम की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से सरकार की लापरवाही के कारण, एजेंसी के लापरवाही के कारण, JSSC सबसे बड़ी एजेंसी जो है झारखंड की, कर्मचारी चयन आयोग जो है वो सबसे बड़ा लापरवाह है, वहाँ के कर्मचारी लापरवाह है, और उससे भी बड़े कारण लापरवाह है हमारे मंत्रीगण, जो इस बात को लेकर के जरा सा भी तनिक भी उनको ध्यान नहीं है कि युवा का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये लोगों को गाँव में जा करके जो लोग गरीब गुड़वा है, जिनको थोड़ा समझ थोड़ा कम है, उन लोगों को 1,000 रुपया दे करके खुश करके और लोगों का सिंपैथी गन कर रहे हैं। ये कहते हैं माननीय विधायक जो है एक कल्पना सोरेन जी, वो कहती है कि मुख्यमंत्री जी 5 महीना जेल गए, उसका हिसाब कौन देगा? तो मैं ये मुख्यमंत्री जी और कल्पना सोरेन जी से पूछता हूँ कि हमारा 10 साल का हिसाब कौन देगा? और ये जो सीट बेच दिए, ये जो जेन्युइन कैंडिडेट आते 1,000, 10,000, 20,000 जो भी आते, अभी PGT की एग्जाम हुआ, PGT का जो रिजल्ट आया उसमें देखे होंगे कि हम लोग केस भी किए हुए हैं, उसको लेकर भी कई दिनों तक हम लोग आंदोलनरत थे, तो वो जो सीट बेच दिए और हम जैसे जेन्युइन कैंडिडेट को जो हक मार लिए, तो उसका जवाब कौन देगा? क्या हेमंत सोरेन देंगे इसका जवाब? क्या वो हमको नौकरी देंगे? नहीं देंगे। अपना दर्द होता है ना भैया, तो समझ में आता है। उनके बाल बच्चे पढ़ते, उनके बाल बच्चे 10 साल यहाँ घिसाते, पैर घिसाता, चप्पल घिसाता, बाप का कंधा में जब देखता कि यहाँ लाल हो गया है ना, सुबह से शाम तक बेचारा खट करके पैसा दे रहा है बेटा को, हम लोग जैसा आदमी को, हम लोग जो देखते हैं बाप को तो आंख से आंसू हो जाता है कि मेरे लिए बाप क्या कर रहा है, लेकिन ऐसा हम लोग असहाय है कि ना बाप का हेल्प कर पा रहे हैं ना अपना हेल्प कर पा रहे हैं। अपने आप पे हम लोग को शर्म आने लगी आजकल। ये इन 10 सालों के अंदर झारखंड सरकार के भरोसे रह करके हम लोगों को खुद से शर्माने लगा है। हम लोग आईना में आंख अपना चेहरा देखना बंद कर दिए हैं, आजकल बाल में बाल झाड़ना बंद कर दिए हैं, क्रीम पाउडर तो लगाना दूर की बात है, पैसा ही नहीं है तो लगाएंगे क्या, बाल झाड़ना बंद कर दिए हैं। तो ये स्थिति है हम स्टूडेंट्स की अभी। तो देख सकते हैं कि हिसाब कौन देगा। बार बार कल्पना सोरेन कहती है कि मुख्यमंत्री के 5 महीनों का हिसाब कौन देगा। यहाँ इन छात्रों का भविष्य अधर में लटक चुका है, इनका हिसाब कौन देगा, कौन मांगेगा?
आपसे जानते हैं जी, बोलिए कौन देगा हिसाब आपके जो इस भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? वही तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि कौन देगा हिसाब। यह जो सरकार है पूरी तरह से हम युवाओं को, हम छात्रों को, झारखंड युवाओं को ठगने का, छलने का काम किया। सिंपल सा एक लाइन में जान लीजिए कि सरकार युवा विरोधी है। हम लोग को रोजगार देने का इसका मंशा नहीं है। तो ये जो सीजीएल का एग्जाम है, पिछले 8 सालों से लंबित एग्जाम है, 3 से 4 बार फॉर्म भरा चुका है, 18 से 19 बार जो है इसका नोटिस पे नोटिस आज आ चुका है। हम लोग जहाँ से ये हमको लगता है कि छठा या सातवां बार जो है से एग्जाम को रद्द करवाने के लिए निकले। एक बार जो है से एग्जाम रद्द करवाने के लिए उतरिए सड़क पर, एक बार एग्जाम करवाने के लिए उतरिए सड़क पर, एक बार क्वेश्चन कटवाने के लिए, एक बार एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाइए, हर चीज के लिए मतलब तराही मामी सरकार से हम लोग थक चुके हैं। बोल रहे हैं कि 15-20 दिन के बाद ये जो है से कि लगने जा रहा आचार संहिता, इलेक्शन हो, अगला सरकार आएगा तब सोच रहा। अब हम इस सरकार से पूरा तरह से त्राहिमाम हम सब झारखंडी स्टूडेंट कर रहे हैं। इस सरकार से कुछ नहीं होगा। ये सरकार जो है से बस इसमें खाली जो है से एजेंसी और आयोग से सब जो है से सबको ठगने का काम कर रहा है। बस हम यही कहना, हम लोग तत्काल प्रभाव पर आज हम लोग यही मोराबादी मोटा ये जो है बापू वाटिका में जुटे थे, इसी को मांग को लेकर के इमरजेंसी मीटिंग आज उठाया गया था कि ये जो है सीजीएल का एग्जाम 21 और 22 तारीख का एग्जाम हुआ उसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। तत्काल प्रभाव से बहुत बड़े घोटाला, बड़े लेवल पर जो है इसका घोटाला है। पहले से ही क्वेश्चन पेपर पढ़ा दिया गया। आज जो हम लोग को पेपर का कटिंग जो है से देखने को मिल रहा है आए जगह, और जो है से ये वीडियो क्लिप वायरल हो रहा, ये साहब उसी दिन वायरल हो जाता। लेकिन समस्या ये था कि उस दिन नेट बंद था। तो ये नहीं होता है वो कि हाथी के दांत दिखावे के कुछ, खाए के कुछ। साहब तो दिखा रहे हैं कि हम नेट बंद करके पूरा सर क्यों बंद किए। हम तो युवा तो कभी नहीं किए। आज तक पीसीएस का जो है एग्जाम हुआ, यूपीएससी का एग्जाम हुआ, सेंट्रल का इतना बड़ा एग्जाम हुआ, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कभी भी जो है आज तक नेट बंद नहीं हुआ। एक झारखंड का क्लर्कियल एग्जाम लेवल का एग्जाम है, और आप इस तरह से नेट बंद करके क्या सो करें? ये तो हाईकोर्ट भी फटकार लगाए कि साहब आपको एक एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाना है और आप पूरा स्टेट का जो है एक पूरा स्टेट का नेट बंद कर दीजिएगा, ये क्या हो चे? इससे साफ पता चलता है कि आप खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप जो है कि खुद ये आयोग है, जो एजेंसी है, खुद आपसे कंट्रोल, ये मतलब आप खुद पहले ही शो कर दिए हैं। और इवन देखिए आप 4 दिन पहले जो है शिफ्ट को चेंज कर दिया गया। जो पहला शिफ्ट में जो पेपर 1 हम लोग को होता था, पेपर 2 में हम लोग का भाषा पेपर होता था, पेपर 3 में जो 150 क्वेश्चन का था, क्या मंशा है? 4 दिन पहले अचानक से शिफ्ट को क्यों चेंज किया गया? इसके पीछे आप जो है लॉजिक हम लोग बताइए कि हाँ बाबू ये रीजन था, इस कारण से हम लोगों ने शिफ्ट को चेंज किया। ये तो नहीं था कि नहीं शुरू सुबह लड़का आता है, शाम तक देते देते थक जाता है, इसलिए हम जो है शिफ्ट चेंज। कभी तो आयोग जो है आज तक लड़का के हित में ऐसा नहीं सोचा। वो तो बैठा है कि चला आओ तू लोग, हम लोग छटनी कर करके तू लोग बाहर करे। ये तो नहीं सोचा है कि भाई तू लोग के हित में ही हम जो है शिफ्ट को चेंज। तो किस लिए किए? साफ जो है पहले से लोग का प्री प्लांड है, पहले ही से सबको लोग पढ़ावल गया है। नया टेक्निक चल रहा है, बहुत जगह से पता चल रहा है कि सील खुलल है, बहुत जगह पता चल रहा है कि ओएमआर खाली छोड़ कर करके ओएमआर जैसे हर उन लोग को ओएमआर सीट मिला लड़का लोग क्लास में, तो क्या किया है कि रोल नंबर क्वेश्चन बुकलेट नंबर किया है, 2 घंटा तक ऐसी बैठ के टाइम पास करा, खाली जमा करके और वहां से जमा करके कॉपी जमा कर दिया। तो क्या है पता चल? हम तो उन लोग भी लड़का लोग कहना चाह रहा जो अभी सुनने मिल रहा कि वो लोग देखा था ना क्लास में, तो वहीं पट्टा करके मारना चाहिए कि भाई तू एग्जाम देना है तो तुम साला खाली छोड़ कहा जाएगा जी, खाली छोड़ कर कहा जाएगा। तो तरह तरह से सेटिंग हो रहा है भैया। पहले ही जो है से क्वेश्चन जो है एक रात दो रात पहले जो है से तमाम जगह जो है से पढ़ा दिया जा रहा है, और दिखावा के लिए नेट बंद कर दिया जा रहा है, फिर जो है से ओएमआर खाली छोड़ दिया जा रहा है। अब एगो नया टेक्निक आ गया, नया टेक्निक ही है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, जो मैथ का रीजनिंग का जो है से क्वेश्चन को डिटो हु बहु आपका देखिए 2019 का जो है से क्वेश्चन जो था, ये जो है से आपको रीजनिंग वाला 2019 का सीजीएल का एक शिफ्ट का पार्टिकुलर एक शिफ्ट का ही जो है से उसी को कॉपी करके डिटो डाल दिया गया। मैथ का 2021 का जो सीजीएल मेंस का जो क्वेश्चन हुआ उसका 2022 में ऑर्गेनाइज हुआ था क्वेश्चन, 8 अगस्त 2022 को हमको जहां तक याद है उस दिन ऑर्गेनाइज हुआ था, उस दिन को डिटो जो है से छाप दिया। तो क्या आप ये हमको बताइए किस लिए आप रखे हैं एजेंसी और आयोग, किस लिए है, किस लिए पैसा दे? इसे हटाइए तब सब, जब बिना काम का है जी। आपसे 8 साल में 20 गो मैथ का क्वेश्चन, 20 गो रीजनिंग का क्वेश्चन, इवन देखिए जीएस का पूरा क्वेश्चन जो है से ये क्या बोलते हैं उसको यूपीएससी सीसेट का जो है से भाषा क्वालिफाइंग जो पेपर है उसमें देखिए ना, उसमें सीसेट का जो होता है ना वो हिंदी का जो पैसेज है उसको डिटो वहां से कॉपी करके डाल दे। तो क्या मतलब आप कहना चाहते हैं कि हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे, हम लोग आम आप क्वेश्चन दीजिएगा इमली,
खेलाइएगा झुंझुना से और पकड़ा दीजिएगा पिस्टल बंदूक का ट्रैक्टर और किरान, तो कहाँ से लड़ेंगे भैया हम झारखंडी लड़का सीजीएल मेंस का। अच्छा ये बताइए कि अच्छा आपको अगर मान के चलिए कि आयोग के पास एजेंसी के पास फुर्सत नहीं है हम तमाम युवा का कि नहीं भाई हम लोग पास टाइम नहीं है बहुत बिजी रहते हैं हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन उससे नहीं बनाने का लूट ढंग है, तो भैया कम से कम प्रीवियस ईयर से भी उठा रहे हैं आपको कॉपी पेस्ट करना है तो प्रीवियस ईयर एक मोटा सेट जाकर मार्केट से खरीद लीजिए आप पूरा उलट पलट करके 10-20-50 साल 10-20-30 साल का या 2-4-5 साल का कवर कीजिए आप और फलाना जो है से डिमका जगह से दीजिए तब ना मानेंगे कि चलो भाई क्वेश्चनों सेट किया तो प्रीवियस ईयर का था तो हम कैसे कह दें। तो इससे क्या पता चलता है कि आपके पास मतलब कि आपका इसका मतलब साफ संलिप्तता है साहब चोरी करने का भी नया तरीका कि एक मतलब कि आपके पास ऐसा तो नहीं है कि आपको जो है ऐसे क्वेश्चन सेट करने के लिए मिला तो ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एसएससी सीजीएल का 1 साल का मात्र आपके पास क्वेश्चन है और उसी से ऐसा साहब है कि मेरे पास क्वेश्चन का अभाव है इसलिए हम उसी को पेस्ट मार दिए, ऐसा तो नहीं है आपके पास पूरा सेट है तो कम से कम भैया 2-4-5 पूरा बुकवे से उठाइए ना जी पूरा बुकवा से एक क्वेश्चन इस साल से उठा लीजिए एक क्वेश्चन का उस साल से उठा तब ना हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई जो है सेटिंग उटिंग नहीं है तो यहाँ पहले ही से तो जो है एक इसका मतलब पहले बोल दिया लड़का लोग कि हाँ भाई फलाना साल का एसएससी सीजीएल का ई शिफ्ट का ऑर्गेनाइज हुआ है तुम पढ़ लेना। तो इससे क्या पता चलता है बताइए क्यों जो है आपका एजेंसी जो है साहब डी टू पहले भी 2018 में एक जो ये शायद एक्साइज का एग्जाम हुआ था या कुछ का एग्जाम हुआ है और उसका हो पेपर का रद्द किया जा चुका है उसी तरह से हम उसी तर्ज पर अगर जो है सरकार हम लोग जेएससी ऑफिस का भी घेराव करने जा रहे हैं एक दो दिन में हम लोग को पता चल जाएगा। तमाम जितने भी झारखंड युवा भाई लोग सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि भाई सड़क पर उतरिए अभी समय है अन्याय के खिलाफ जो आवाज को बुलंद कीजिए आवाज को उड़ाइए उठाइए ये जो निरंकुश सरकार है युवा विरोधी सरकार है इससे भैया कितनों लाइब्रेरी में पढ़ते रह जेबा नौकरी नहीं मिलतो नौकरी वह के मिलतो जे भाई एक दिन पहले पैसा दे ले हो सेकंड में नौकरी मिलेगा जो पैसा दिया है उसी को नौकरी मिले कितनों पढ़ लो भाई ना अभी जो लड़का जो सोच रहा होगा ना कि हम ही को सोच रहा होगा या हम सब भाई लोग को सोचता है ना सब बहुत लड़का लोग ऐसा है झारखंड ये लोग साला बुड़बक है हमेशा साला ये लोग के जाके कभी एग्जाम कैंसिल करवाएगा तो कभी करवाएगा तो अभी उन लोग का भी समझ में आ गया होगा ना कि भाई खेला कुछ और चल रहा है खेला हो गया अब जो है सब पैक होकर रखा गया और वो लोग भी अब जो अभी मार्क आया है ना 120-125-30 वो लोग सोच रहा होगा रिजल्ट लीक कर दे रहे हैं रिजल्ट नहीं होगा रिजल्ट आने दीजिए। अभी पीजीटी में देखे ना हालत 300 में 297 294 कटअप किया है म्यूनिसिपल में अरे इसका लेब असिस्टेंट में जो है 150 में 140-142 कटअप किया कहां से इतना तेज तेज लड़का आ रहा है जी कितनों साल हम पढ़ लेंगे तो 150 में तो हमको 15-20 क्वेश्चन आई भी नहीं करेगा और मान के चलिए 130 को अटेम्प्ट करेंगे तो इतना तो जरूरी है भैया कि 5-10 क्वेश्चन गलत हो जाएगा इतना तो हम तो साला 150 में 140 कहियो कट भी नहीं ले आ पाएंगे तो इसका मतलब तो हम सिलेक्शन से ही बाहर हो गए। हम लोग तो जो दिन रात लड़का लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहा फलाना बुक लो फलाना राइटर के हर साल तो यहाँ बुके अपडेट हो जा रहा है हर साल तो जरा पागल हो गया दिमाग पढ़ पढ़ के हम लोग तो फ्रस्ट्रेशन हम लोग एकदम निसहाय नहीं होता है कि फ्रस्ट्रेटेड हम लोग हो चुके हैं पूरी तरह से एकदम असमर्थ नहीं होता कि एकदम पूरी तरह से फील कर रहे हैं कि हमारे ये जो मोस्ट 5 साल के इसके कार्यकाल में पहला ऐसा एग्जाम है पहला ही एग्जाम है जो जनरल एग्जाम जो जनरल जो तीनों संकाय का आपका आर्ट्स का साइंस का कॉमर्स बैकग्राउंड का ये पहला एग्जाम था वो भी दूसरा बार ऑर्गेनाइज किया कराया गया। आप समझ लीजिए कि सरकार किस लेवल का है इसके अंडर में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी गण किस अनुसार से साफ बात है सरकार पूरी तरह से संलिप्त है पूरी तरह से जो है हम किसको आप सरकार आप जो है हमारे राज्य का मुखिया है आपको हम किस लिए सताम हम किसको ब्लेम करेंगे। आप बोलिएगा ये लड़का डायरेक्ट टारगेट कर रहा है सरकार को तो सरकार को टारगेट करेंगे हम घर में जो है छुआ पुता है तो छुआ पुता को हम काहे बोलेंगे बापे को ने बोलेंगे भैया कि पापा आप जो है ये हो रहा है तो हम आप मेरा जब राज्य का मुखिया है तो माफी से ना बोलेंगे कि साहब आप जो है क्यों नहीं इस पर जो है किए हम युवा के लिए कब कीजिएगा आपका जो है इस सरकार में पहला ही एग्जाम है जो है आप बोलिए कि आप बोलते रहते 5 लाख रोजगार दिए तमाम जो है पूरा हल्ला कर रहे हैं कि रोजगार दिए कहाँ रोजगार दिए साफ बात है सरकार पूरी तरह से संलिप्त है पूरी तरह से जो है हम किसको आप सरकार आप जो है हमारे राज्य का मुखिया है आपको हम किस लिए सताम तो हम किसको ब्लेम करेंगे। आप बोलिए कि ये लड़का डायरेक्ट टारगेट कर रहा है सरकार को तो सरकार को टारगेट करेंगे हम घर में जो है छुआ पुता है तो छुआ पुता को हम काहे बोलेंगे बापे को ने बोलेंगे भैया कि पापा आप जो है ये हो रहा है तो हम आप मेरा जब राज्य का मुखिया है तो माफी से ना बोलेंगे कि साहब आप जो है क्यों नहीं इस पर जो है किए हम युवा के लिए कब कीजिएगा आपका जो है इस सरकार पहला ही एग्जाम है जो है आप बोलिए कि आप बोलते रहते 5 लाख रोजगार दिए तमाम जो है पूरा हल्ला कर रहे हैं कि रोजगार दिए कहाँ रोजगार दिए हम लोग का जो युवा लोग पढ़ रहे हैं मूर्ख है हम लोग को पता नहीं है कि कितना रोजगार दिए क्या दिए म्यूनिसिपल का एग्जाम हुआ उसका भी रिजल्ट देखिए फंसा हुआ है जेपीएससी का एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट फंसा हुआ है लेब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ उसमें देखिए लिपापोती करके पीजीटी में एग्जाम हुआ सब में लिपापोती करके घुसाया गया है साहब जान रहे हैं और उसे पार्टिकुलर एक सेक्शन के लिए था पीजीटी था जो पीजी के हुए लड़के
के बीएड किए हुए हैं, जो लेब असिस्टेंट का था, वो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, आज भी वो राजभवन में धरने पर बैठे। जी जी, धरने पर बैठे हुए। देखिए आईटीआई इंस्पेक्टर का जो है रिजल्ट के लिए वो लोग मांग कर रहे हैं, हर चीज में जो है आपको। तो देखिए क्या चल रहा है, मतलब सरकार में आप कैसे, इसका मतलब जो है सरकार हमेशा झूठे वादे कर करके जो है हम लोग को ठगने का छलने का काम कर रहे हैं। फिर से अभी इलेक्शन का टाइम आ गया, बोलेगी सरकार जो है कि हम लोग इतना मुद्दा दिए, इतना रोजगार दिए है, तो इस तरह से हम तमाम सभी झारखंडी भाई से भाई रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये जो सरकार है युवा विरोधी है, सोच समझ के ही अपना वोट दे, जो आपको रोजगार दे, जो आपके हित के में काम करे, क्योंकि हर एक फैमिली का जो है से ऐसा जरूर हर एक फैमिली में होगा जिसका कोई ना कोई रिलेशन का कोई ना कोई बेटा हो बेटी हो तैयारी कर रहा होगा साहब। अगर जो है से कि हम चाहते थे कि हम झारखंड में तैयारी कर रहे हैं, झारखंड में पैदा लिए हैं, बताइए पिछला 3 साल से 2022-23-24 में जो है सेंट्रल सीजीएल का मैथ का इंग्लिश का सिंसियर कैंडिडेट, इस सोच करके हम जो है सिर्फ झारखंड में तैयारी किए कि जो है से कि हम जो है झारखंड में पैदा लिए हैं, झारखंड में साहब अपना सेवा देंगे, लेकिन बताइए हमारा दुर्भाग्य कैसा है कि सरकार जो हमारा जो यार शहीदों का माटी है, संघर्ष पूर्ण माटी है, आज उसको जैसे इस तरह से नाकाम छलने का काम किया गया, पूरी तरह से एकदम भ्रष्ट सरकार हो चुके हैं। तराहिमाम हम सभी स्टूडेंट कर रहे हैं, अलग लेवल से गेम चल रहा है, पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, कितना हिम्मत जुटाइएगा जी। पिछले 2028 में जनवरी में हुआ, जनवरी से एसआईटी गठित हुआ, अभी एग्जाम जाकर के लिया, बताइए 8 से 9 महीना के बाद रिजल्ट, फिर से वही हालत, फिर से जो है से अभी पता चला कि एग्जाम अभी तो कैंसिल करवाना ही है, कैंसिल होगा, फिर से पूरी तरह से टूट चुके हैं, कितना टूट जाइएगा एकदम, कितना आप एग्रेशन, कितना जोश बना करके फिर से आप लाइब्रेरी में बैठिए, कंसंट्रेशन बना करके पढ़िए, फिर से एकदम स्ट्रगल करते हुए जाइए, फेस कीजिए, लड़कों के सामने झेलिए, इंटरनेट बंद कर दिए साहब, फलाना फलाना जगह सेंटर दे दिया हजारीबाग में हमको, अब पता चला कटकम दाग में दे रहे सेंटर हमको, पता नहीं ये कटकम दाग किधर, वहाँ से लोगों से पूछ रहे भाई यूएमएस स्कूल में तो कहने है, लोकल लोग अभी पता नहीं रहता है, सेंटर उन्टर उतना जानकारी थोड़ी, आप उस पार्टिकुलर जगह तो नेट बंद करने का तो कोई औचित्य नहीं बनता है, शिफ्ट को चेंज करने का अचानक 4 दिन पहले बिना नोटिस का कोई, तो इस तरह से क्या है बताइए, पारदर्शिता कहाँ है आपका, कहाँ जाए हम युवा लोग, यही तो सोचे थे कि झारखंड के माटी में अपना सेवा देंगे। अरे साहब आप अगर हमको मेरिट के आधार पर धक्का मार के बाहर कर दीजिए, अगर हम मेरिट के आधार पर, अगर हम नहीं पढ़े लिखे हैं भैया प्रॉपर एक अच्छे तरीके से एग्जाम लीजिए, अगर मेरिट के आधार पर बाहर कर दीजिए हमको मंजूर है, लेकिन आप बोलिएगा कि एक रात में पैसा लेकर के लड़का लोग को घुसा लेंगे, वो किसी भी तरह से हम झारखंड युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे, यही चीज हम कहना चाहेंगे जो है छात्र भी टूट चुके हैं, उनका मनोबल भी टूट चुका है, अब कमर भी टूटने वाली है उनके घर वालों की। बिल्कुल सर, कमर टूटने वाली है क्योंकि लगातार ये 8 साल से लंबित है एग्जाम, और कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि इतने लंबे अरसे से जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि हम सचिवालय में जाएंगे, एएसओ बनेंगे, बीएसओ बनेंगे, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, और कहीं ना कहीं सर्कल इंस्पेक्टर, जो कर कि गांव लेवल का बहुत अच्छा पोस्ट होता है, जो सीओ के नीचे होता है, जो कि काम करना चाहते हैं, जो कि अपना गाँव में सेवा देना चाहते हैं, झारखंड में सेवा देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सपना टूटता हुआ दिख रहा है और लोग उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। आप 19वां बार ये आप देखिए कि 19वां बार ये डेट आया है, और सरकार का यहाँ पर देखिए नौटंकी क्या है कि जब एग्जाम होना रहता है तो एकदम से इन लोगों ने क्या बोलते हैं कि शिफ्ट को चेंज कर देता है, सबसे बड़ा लोप होल यहाँ पे है कि ये कोई औचित्य नहीं बनता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि डीसी, सारे डीसी को अलर्ट कर दिया जाता है, जितने भी 2400 डिस्ट्रिक्ट में है वो सारे डिस्ट्रिक्ट को बोल दिया जाता है कि अपने अपने जितने भी होटल हैं, जितने भी 5 स्टार होटल हैं, सब जा करके उसको छापा कीजिए। अरे भैया छापा क्यों कीजिएगा, छापा कीजिएगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं, वो तो घर गार्जियन को दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि बहुत सीरियस है सरकार हम लोग के प्रति, एग्जाम के प्रति। हम बता रहे हैं जब 2019 का रीजनिंग एक तरह से उठा लिए, 2022 का आप मैथ उठा लिए, ये थी IBPS का आप कंप्यूटर उठा लिए, एक जगह से सब एक जगह से आप उठा लिए, UPSC CSET का आप हिंदी इंग्लिश का जो लैंग्वेज पेपर है वो उठा लिए, अब हमको बताइए हम 5 स्टार में किताब लेके बैठ जाएंगे, कौन हमको रोक सकता है, किताब लेके हम बैठेंगे तो उनके सामने ही बैठेंगे तो वो रोकने का तो औचित्य तो नहीं है, तो पकड़ाएगा ही नहीं, तो चोरी तो है लेकिन चोरी इनडायरेक्ट रूप से है, वो दिखेगा नहीं लेकिन बिक गया, बिकने वाला बिक गया, अब क्या करेंगे छात्र, अब छात्र देखिए छात्र का ये हक का बात है, वो कहा गया है कि जो अपने हक अधिकार का मांग नहीं कर पाएगा वो ये झारखंड में रहने लायक नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि बिरसा मुंडा जितने भी यहाँ पे हैं, सिद्धू कानू चांद भैरव, ये शहीदों की भूमि है, यहाँ पे सब देखते आ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ये समझिए कि युवा लड़ते रहते हैं इसके चलते, तो ये एक तरह से हम लोग भी प्रोटेस्ट इसके करेंगे और कहीं ना कहीं सरकार को ये बताएंगे कि आपका जो टोटल नीति है वो बिल्कुल बिल्कुल गलत है और इसको एग्जाम को रद्द किया जाए जितना जल्दी हो सके।
को सही मिलता है। देख सकते हैं लगातार छात्र विरोध करते नजर आ रहे हैं, छात्र जो है अब परेशान हो चुके हैं क्योंकि छात्रों का भविष्य अब अंधकार में दिख रहा है। अब छात्र अंधकार की ओर जाएंगे या फिर सरकार की ओर जाएंगे, लेकिन छात्र वही के वही है, आज भी सड़क पे है, कल भी सड़क पे थे और आगे भी सड़क पे रहेंगे। तो इसलिए सरकार को अब ध्यान देना होगा, चेतना होगा कि बार बार जो परीक्षा में ये त्रुटियां हो रही है, बार बार पेपर लीक की समस्या आ रही है, उससे कैसे निजात पाया जा सके, कैसे उस पर लगाम लगाया जा सके। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार दर्शक।